हाय गाइस, तो कैसे आप लोग? मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त ऑफिशियल ट्रेन गेमर। आज चुको एक नए और मज़ेदार के वीडियो के साथ में वापस। सो गाइस, आज हम किसी स्पेसिफिक ट्रेन का गेम प्ले नहीं करने वाले, बल्कि गाइस आज हम करने वाले आर मास्टर V21 के ऊपर रूट को एक्सप्लोर। गाइस तो गाइस आज का हमारा जो गेम प्ले होने वाला है, होने वाला है मटुंगा से लेकर गाइस विद्याविहार तक का। जो गाइस ये जो सेक्शन है मुंबई सेंट्रल के अंडर आता है, और गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो आज का हमारा लोकोमोटिव F7 लोकोमोटिव है। एंड गाइज अभी हमारी जो ट्रेन है अभी मटुंगा पे खड़े हैं। इस साइड में आप सीनरी देख सकते हो गाइज, कितना बढ़िया सा सीनरी मैंने आर मास्टर V21 में गाइज मेक किया है। एंड गाइज जैसे कि रियल लाइफ में जैसा रूट है वैसे मैंने बनाने का ट्राई किया है। एंड गाइज मटुंगा से CSMT तक का भी सेक्शन हमारा जो है वो ऑलमोस्ट 90% मेक हुआ है। बस थोड़ा सा और उसमें कुछ ट्रीज है एंड जो बिल्डिंग्स है गाइज उसे ऐड करना है। और गाइज ऐसे हमारा सिग्नल भी ग्रीन हो चुका है, तो हम ऐसे हमारे ट्रेन को गाइज डिपार्च कर दे। और हमारा जो स्पीड लिमिट है गाइज वो 65 का है, और हम जो है गाइज 65 के स्पीड लिमिट के अंडर ही रहेंगे, क्योंकि हमें रूट को एक्सप्लोर करना है, ना कि हम कोई स्पेसिफिक ट्रेन का जर्नी कर रहे हैं। तो गाइज इसके लिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि आर मास्टर V21 में मैंने क्या क्या गाइज डिज़ाइंस ऐड किए हैं, कैसा गाइज इसको पहले से ज़्यादा इंप्रूव किया है। तो गाइज आप जो गेम प्ले को एंजॉय करो, मैं कमेंट भी इस बीच में करता रहूँगा गाइज, और आप जो ट्रैक सॉन्ग को भी एंजॉय कीजिए। सो गाइज यहाँ पे हम आ चुके हैं कैब इंटरव्यू में, और गाइज यहाँ पे देख सकते हो मुंबई की सबसे बड़ी बड़ी जो गाइज मुंबई को पहचानती है गाइज, जिसके लिए जो है मुंबई का प्राउड गाइज स्काई स्क्रैपर। तो गाइज यहाँ पे मैंने स्काई स्क्रैपर भी बहुत सारे ऐड कर दिए मुंबई के सेक्शन में जो है हमारा आयर मास्टर का V21। गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो जो ट्रैक साइड का जो सीनरी रहता है गाइज, जिसमें जो फ्लावर्स वगैरह रहते हैं, जो ग्रास रहता है गाइज, उसे मैंने कितना इंप्रूव कर दिया गाइज। और यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रीज वगैरह, और यहाँ पे हमारे ट्रेन जो गाइज यहाँ पे अच्छी खासी स्पीड भी पकड़ ली है, जो है हमारा 39 का स्पीड लिमिट। और गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो कितना बढ़िया से क्रॉसिंग चल रहा है। और गाइज यहाँ पे मैं और एक बात बताना चाहूँगा गाइज, आर मास्टर का V21 जो है ये आपको विद्याविहार से लेके गाइज CSMT तक का मिलने वाला है। इसमें रियलिस्टिक एकदम सीनरी गाइज मैंने मेक किया है। एंड एक और बात गाइज, ये जो सेक्शन है इसमें मटुंगा से लेके गाइज CSMT तक भी सेक्शन मेक हुआ है। बस उस सेक्शन में कुछ कुछ स्टेशन ऐसे जिसमें बिल्डिंग्स लगाना बाकी। तो गाइज ये जो हमारा आर मास्टर का V21 है, ये अगले साल यानी कि 2023 के जनवरी में आ सकते हैं गाइज। एंड गाइज यहाँ पर ट्रैक साइड का जो सीनरी हो गया है कितना बढ़िया से कर दिया। यहाँ पे इस साइड में गाइज जो आप देख सकते हो बिल्डिंग्स और जो भाई के जो सेक्शन रहते हैं गाइज, कितने बढ़िया से मैंने मेक किया है। फिर हमारे ट्रेन भी अच्छे खासी स्पीड में आ चुका है गाइज। यहाँ पे आप देख सकते हो ब्रिज हम कोई क्रॉस करें गाइज, जो फ्लाईओवर ब्रिज होता है वे साइड में देख सकते हो गाइज, एक शॉपिंग मॉल जैसा है। ट्रैक साइड में कुछ बिल्डिंग्स वगैरह, और गाइज इसमें स्लम एरिया भी मैंने ऐड किया जो मुंबई में स्लम्स है गाइज। वो भी हमें जब आप ट्रेन जर्नी किए होगे तो आपको पता होगा कि मुंबई के स्लम्स भी दिखते हैं, तो इसमें मैंने स्लम्स भी ऐड किया। आगे जाके आपको देख सकते हो गाइज यहाँ पे बिल्डिंग्स कुछ कम हो रही, तो ये जो सेक्शन है गाइज इसमें स्लम एरिया आता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। आगे जाके हमारा स्लम एरिया ऐसे स्टार्ट हो चुका है। सो यार गाइज आप लोग देख सकते हो मैंने थोड़ा सा जो स्लम एरिया है गाइज मुंबई को भी मैंने ऐड कर दिया है। यार हमारे राइट साइड से हमारी जो ट्रेन है वो हमें क्रॉस कर रही है। इस साइड में देख सकते हो गाइस कितना बढ़िया सा सीन आ रहा है गाइस, हमारे राइट साइड से हमारी ट्रेन अच्छी खासी स्पीड में हमें क्रॉस कर रही है गाइस। हमें आगे जाके जो सिग्नल है वो 400 मीटर के बाद में हेलो, तो हम यहाँ पे स्पीड भी थोड़ा डिक्रीज करना स्टार्ट कर दीजिए। और गाइस यहाँ पे देख सकते हो कितना बढ़िया बढ़िया मैंने स्काई स्क्रैपर पर ऐड कर दिया अपने राइट साइड में और लेफ्ट साइड में गाइस, दोनों साइड में स्काई स्क्रैपर आप देख सकते हो। एंड गाइस ये जो रूट है ये आपको ऑब्जेक्ट भी गाइस मैंने अच्छे खासे, मतलब आपको ये जो रूट है गाइस पूरा का पूरा उसे मैंने लगभग गाइस 900 to 800 MB के अंदर गाइज आपको 1000 किलोमीटर प्लस का गाइज रियल डिस्टेंस वाला रूट मिलने वाला है। एंड गाइज इस सेक्शन में आप देख सकते हो इस साइड में फ्लावर वगैरह भी ट्रैक साइड में देखने को मिल रहा है। फिर हमें गाइज स्पीड जो है हम और कम कर लेंगे, क्योंकि हमारा अगले वाला जो सिग्नल है वो वापस से गाइज कॉशन सिग्नल आ चुका है, और कॉशन सिग्नल पर हमारा जो स्पीड लिमिट होता है वो 40 कर देना चाहिए। तो गाइज यहाँ पे हम स्पीड डिक्रीज कर देते हैं। गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो हम जो है किसी एक और स्टेशन को स्किप करें गाइज, जो कि यहाँ पे मुझे स्टेशन का नेम तो दिखा नहीं गाइज, बट यहाँ पे आप स्टेशन को स्किपिंग एंजॉय कीजिए गाइज, जो कितना बढ़िया से गाइज स्टेशन को मैंने डिज़ाइन कर दिया। और गाइज हो सके तो हम यहाँ पे स्टेशन का नेम जो है वो भी पढ़ने का ट्राई करिए। और गाइज शायद से साइन स्टेशन है, क्योंकि जहाँ तक मैंने सिनेरियो मेक किया है मुझे इतना आ रही है सिनेरियो मैंने साइन का मेक किया है। और अगर गाइज देख सकते हो साइन स्टेशन का सिनेरियो कितना बढ़िया से आप देख सकते हो, जो हमारे ट्रेन है गाइज 46 किलोमीटर बराबर की स्पीड में साइन स्टेशन को स्किप कर रही है। Thank you.
एंड गाइस हमारे जो लेफ्ट साइड है गाइस, इस साइड से कोई रोड क्रॉस कर रहा है गाइस। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे राइट साइड से जो ट्रेन जा रही है गाइस, वो कितना बढ़िया सा सीनेरियो गाइस दिख रहा है, लाइक MSTS गाइस, MSTS जैसा ही गाइस यहाँ पे सीनेरियो आपको देखने को मिल रहा है आर मास्टर के रूट V21 में गाइस। और गाइस आर मास्टर का V20 अगर आपने डाउनलोड नहीं किया ना गाइस, तो डाउनलोड कर लो, क्योंकि उसमें कसारा घाट का जो रीडिजाइनिंग गाइस वो मैंने कर दिया है, जो कि एकदम रियलिस्टिक वाला कसारा घाट मैंने बना दिया गाइस। तो गाइस अगर आपको उस रूट को आर मास्टर का V20 को डाउनलोड करना है, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दूंगा। और गाइस मैं आगे जाके कुछ दिनों में गाइस कम्युनिटी टैब डालूंगा, जिसमें कि मैं पूछने वाला आपको आर मास्टर रूट की अपडेट चाहिए या फिर गाइस अभी नागपुर भुसावल रूट जो है हमारा उसकी अपडेट गाइस मैं अब मेक करूँ। तो गाइस आपको जो है बताना पड़ेगा, और आपको कम्युनिटी टैब पे जरूर से आपका जो है वोट करना पड़ेगा कि आपको आगे जाके कौन से रूट की अपडेट चाहिए गाइस अभी फ्यूचर में, क्योंकि जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन गाइस मैं लगातार आर मास्टर रूट के कम से कम 5-6 अपडेट दे चुका हूँ, जबकि नागपुर भुसावल रूट जो है वो हमारा V2 पे अभी चल रहा है गाइस। एंड गाइस अभी जो हमारे ट्रेन यहाँ पे ट्रैक चेंज कर रहे हैं गाइस, यहाँ पे देख सकते हो हमारे जो राइट साइड से गाइस कोई ट्रैक आ रही है गाइस, आप मुझे कमेंट में जरूर से बताइए जो ट्रैक से राइट साइड के वो गाइस कहाँ से आते हैं, क्योंकि मैं अभी तक मुंबई सेक्शन में जर्नी नहीं किया, बट मुझे जैसे कि मैं गूगल मैप पे देख के रूट को बनाता हूँ, तो गाइस मैंने यहाँ पे देखा था कि जो ट्रैक से वो राइट साइड से कैसे आते हैं गाइस। तो आप मुझे जरूर से कमेंट बॉक्स में बताइए गाइस राइट साइड से जो ट्रैक से कौन सेक्शन से आते हैं, जैसे आप आते देख सकते हो गाइस वापस से MSTS जैसे आते हैं सीनरी गाइस आप देख सकते हो। गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे स्काई स्क्रैपर हमारे लेफ्ट और राइट साइड में गाइस। और गाइस अभी हमारे जो ट्रेन है वो लगभग विद्या विहार के पास मैच हुआ गाइस, क्योंकि यहाँ पे मुझे देख सकते हो 1700 किलोमीटर के गाइस बाद में हमें रेड सिग्नल लाइट पे दिखाया गया है, सामने के साइड में शायद से कुर्ला पे हम क्रॉस कर रहे गाइस कुर्ला स्टेशन को। एंड गाइस जैसे कि मैंने आपको वीडियो का स्टार्टिंग बताया था, यहाँ पे कुछ कुछ सेक्शन में बिल्डिंग्स नहीं, तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे बिल्डिंग्स नहीं गाइस। अभी आप आने वाले जो गाइस अपडेट्स रहेगी, मतलब आर मास्टर रूट का V21 के जो फाइनल अपडेट रहेगा गाइस, इसमें मैं टैक्सेस और सिग्नल और स्पीड लिमिट वगैरह जो बिल्डिंग्स वो सब क्लियर कर दूंगा गाइस। और यहाँ पे देख सकते हो वापस एक बढ़िया से क्रॉसिंग गाइस यहाँ पे हमारी ट्रेन करते हुए। सो गाइस यहाँ पे हमें सक्सेसफुली जो कुर्दा स्टेशन है, मैं आपको दिखाता हूँ गाइस, मेरा स्टेशन का जो बोर्ड रहता है गाइस टी बोर्ड कुर्दा स्टेशन को, इसे हमें क्रॉस कर लिया है कुर्दा स्टेशन को। गाइस इस साइड में देख सकते हो बहुत सारे स्काई स्क्रैपर जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में दिखा दी थी, वैसे गाइस इस सेक्शन में जो विद्या विहार से कुर्दा वाला सेक्शन है गाइस,
इस सेक्शन में बहुत सारी स्काई स्क्रैपर आपको देखने को मिलेगी। इस सेक्शन में छोटी बिल्डिंग्स मैंने ऐड नहीं की गाइस, क्योंकि विद्या विहार से जो CSMT वाला सेक्शन है ये V21 में आने वाला है। तो गाइस ये जो सेपरेट पार्ट था गाइस, आपको पता होगा कि मैंने V80 फिर V90 में मैंने जो है ऐसे लेके गाइस, जो कल्याण वाला सेक्शन है वहाँ से लेके LTD तक का मैंने रीडिजाइनिंग का अपडेट दिया था। एंड गाइस V21 में आपको देने वाला हूँ विद्या विहार से लेके CSMT तक का रीडिजाइनिंग अपडेट गाइस। और भी आप देख सकते हो बहुत सारे स्काई स्क्रैपर गाइस इस सेक्शन में। और 400 मीटर के बाद में गाइस हमें जो है यहाँ पे रेड सिग्नल दिखाया गया था, यहाँ पे मैं स्पीड भी थोड़ा सा मेंटेन ही कर लूँगा गाइस। सो गाइस यहाँ पे जो हमने हमारे ट्रेन को सक्सेसफुली गाइस स्टॉप कर लिया है। एंड गाइस इस वीडियो में जो मैंने माटुंगा से लिखे गाइस विद्या विहार तक का जो सेक्शन है गाइस वो मैंने कवर किया था। एंड गाइस आपको V21 का जो अपडेट है गाइस वो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइए। और गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जो अभी स्टेशन है गाइस ये विद्या विहार है। एंड गाइस विद्या विहार के आजू बाजू में भी गाइस जो ट्रैक साइड का सीनरी है एंड जो बिल्डिंग्स वो ऐड करना बाकी है। एंड गाइस जैसे कह रहा था आप सबसे कि गाइस आपको आयरन मास्टर का V21 का जो गाइस अपडेट है वो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइए। एंड ये जो अपडेट है गाइस ये तो वीडियो का पार्ट वन था जिसमें हमने सिर्फ एक सिंपल गाइस ट्रेन जर्नी किया, जिसमें हमने V21 का जो हाफ अपडेट है गाइस उसको एक्सप्लोर किया। और गाइस आने वाले इस वीडियो का पार्ट टू में हम जो है माटुंगा से लेकर गए CSMT तक का जो सेक्शन है उसे गाइस एक्सप्लोर करेंगे। एंड सबसे पहले उसका ट्रेलर आएगा गाइस माटुंगा से CSMT वाला सेक्शन में, और फिर उसके बाद में उस जो सेक्शन है गाइस उसका ट्रेन जर्नी करेंगे। और गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा ट्रेन भी स्टॉप कर दिया मैंने सक्सेसफुली। और आज का हमारा वीडियो गाइस आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। अगर आप चैनल पर नए हो गाइस तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जो बेल आइकन उसे पर्सनल से निकल के ऑल कर लो गाइस, जिससे कि मेरे हर वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आ जाए। और आपके जो भी ट्रेन से रिलेटेड क्वेरी हो गया गाइस उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक दे दूंगा, वहाँ पर जाकर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो गाइस आज की वीडियो से इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।